हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और ये जो वीडियो है बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट टू है। पार्ट वन वीडियो के अंदर हमने कवर किया था बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और साथ साथ हमने इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। ये जो वीडियो है पार्ट टू, हम इसके अंदर कवर करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द होल पावर एन। लाइक इसके अंदर हम देखेंगे जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म, मिडिल टर्म और साथ साथ हम देखेंगे टर्म कंटेनिंग स्पेसिफाइड पावर ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, साथ साथ इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल टर्म बाइनोमियल थ्योरम की वो टर्म है जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर टर्म पर डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बहुत यूजफुल है क्योंकि इसकी मदद से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं, पहले उसके लिए हम एक बाइनोमियल थ्योरम जो हमारी होती है उसको हम उसके स्टेटमेंट को एक बार लिख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, हम जानते हैं x प्लस वाई टू द पावर n, ये होती है हमारी n c 0, x की पावर n, y की पावर 0 प्लस ऑफ n c 1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1 प्लस ऑफ n c 2, x की पावर n माइनस 2, y की पावर 2 प्लस ऑफ n c 3, x की पावर n माइनस 3, y की पावर 3 अप टू, इसकी nth टर्म की बात करें तो nth टर्म क्या होगी हमारी, एन सी एन एक्स टू दी पावर 0 वाई की पावर एन। ठीक है, ये हमारे बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। अब क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो हमने प्रॉपर्टीज की देखी हुई है कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एन प्लस वन। हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म एन प्लस वन होंगे। और एन प्लस वन क्यों होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये आर अगर यहाँ जीरो है तो इसको हम बोलते हैं ये हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर आर की वैल्यू वन होती है, यहाँ पर ये हमारी सेकंड टर्म कहलाता है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है, इसी तरह ये हमारा nth टर्म है। राइट, अगर इसके अंदर हमको किसी भी पर्टिकुलर टर्म को डायरेक्ट फाइंड आउट करना हो, जैसे अगर हमको इसके अंदर 25th टर्म निकालना है या 35th टर्म या जो भी निकालना हो, तो हम उस टर्म पर फौरन पहुंच सकते हैं यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला। ठीक है, अब वो फॉर्मूला कैसे होगा, क्या होगा और उसको हम रिकॉल कैसे रखें, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्लियर है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका एक्सपेंशन क्या है, यहाँ पर उसको हम लिख रहे हैं एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन वाई की पावर जीरो। तो मैं उसको कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, जो हमारा फर्स्ट टर्म है हम उसको बोलते हैं वो हमारा टी वन है। ठीक है, तो टी वन की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस जीरो वाई की पावर जीरो। ठीक, जो हमारा सेकेंड टर्म है टी टू, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर उसकी वैल्यू है एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन। ठीक है, जो इसका थर्ड टर्म है टी थ्री, उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू। इसी तरह अगर हम बोलें कि इसकी सपोज इलेवेंथ टर्म क्या होगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो होगी एन सी टेन एक्स की पावर एन माइनस टेन और वाई की पावर टेन। ठीक है, अब ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जब यहाँ हमारा टर्म वन था तो यहाँ आर की वैल्यू थी जीरो। ठीक है, टर्म टू हुई तो आर की वैल्यू हो गई यहाँ वन, टर्म थ्री पर आर की वैल्यू थी टू, और जब हमारा टर्म इलेवन था तो यहाँ हमने आर कितना लिया, टेन। इसी तरह अगर हम बोलें कि टर्म सपोज एटीन की वैल्यू निकालनी है, एटीनथ टर्म, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, वो होगा एन सी सेवनटीन एक्स की पावर एन माइनस सेवनटीन इन टू वाई टू दी पावर सेवनटीन। ठीक है, अगर इन्हीं को अगर हम फॉर्मुलाइज करना चाहें तो इस टी वन के वन को मैं लिख सकता हूं जीरो प्लस ऑफ वन, राइट, टू को मैं लिख सकता हूं वन प्लस ऑफ वन, राइट, थ्री को मैं लिख सकता हूं टू प्लस ऑफ वन। इसी तरह मैं यहां पर इलेवन को लिख सकता हूं टी टेन प्लस ऑफ वन। ठीक है, इसी तरह मैं इस एटीन को भी क्या लिख सकता हूं, सेवनटीन प्लस ऑफ वन। अगर मैं इन जर्नल बात करूं, यहां पर मैं अगर कैपिटल आर की बात करूं कि आरएथ टर्म क्या होगी इसकी, तो कैपिटल आर को मैं स्प्लिट करके ऐसा लिख सकता हूं स्मॉल आर प्लस ऑफ वन, राइट। तो जो स्मॉल आर है वो कहां आने वाला है, वो इस पोजीशन पे आने वाला है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब एन माइनस आर, और वाई की पावर क्या हो गई, आर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जर्नल टर्म। ठीक है, ये जर्नल टर्म है जिसकी मदद से हम किसी भी टर्म पर डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर इसके अंदर मुझे निकालना है फोर्थ टर्म क्या होगी, तो टी हमको बोला गया है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ को मैं कैसे लिखूंगा, थ्री प्लस ऑफ वन, और आर की प्लेस पे क्या वैल्यू यूज कर लेंगे हम, थ्री। तो ये हो जाएगा एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और वाई की पावर थ्री।
देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसकी फोर्थ टर्म है वो यही है, ठीक। अगर हम बात करें इसके अंदर, बताइए कि 15th टर्म क्या होगी, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस ऑफ 1, तो स्मॉल r की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 14, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, वो क्या होगी, एन सी 14 एक्स टू दी पावर n माइनस 14 इंटू वाई टू दी पावर 14, ठीक है। अभी हम इसके जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। तो अभी बेसिकली क्या हुआ कि जो हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो यहाँ कहीं nth टर्म से पहले ये हमारी जनरल टर्म होगी, वो क्या होगी, एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इन टू वाई टू दी पावर आर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला कहलाता है ये हमारा जनरल टर्म फॉर्मूला कहलाता है, और ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम में कई जगह हमको काम आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी जनरल टर्म का फॉर्मूला क्लियर होगा। अब इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे और बढ़ेगी, ठीक है। अब चलिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है इसका, 28th टर्म ऑफ 5x प्लस 8y टू दी होल पावर 30, इसका इसके हमको 28th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको जनरल टर्म फॉर्मूला जानते हैं हम, जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म मतलब टी आर इज इक्वल टू होता है हमारा एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इन टू वाई टू दी पावर आर। अब इसको हम देखें तो यहाँ पर हमको कैपिटल आर की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 28, एन हमको गिवन है यहाँ पर 30, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5x और सेकंड टर्म वाई की वैल्यू है हमारे पास 8y, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो जनरल टर्म हमारा टी आर कैपिटल आर हमको क्या गिवन है 28, और 28 को हम क्या लिख सकते हैं 27 प्लस ऑफ 1, तो जो स्मॉल r की वैल्यू है वो हो गई हमारी 27, तो यहाँ पुट किया हमने, n हमारे पास है 30, c r हो गया 27, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारे पास 5x, तो 5x टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस जो कि हुआ 3 इन टू वाई, या सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 8y टू द होल पावर r, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 27, ठीक है। तो इस तरह हमने 28th टर्म फाइंड आउट कर ली, अब बस इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 30c 27 को सॉल्व करने से बेटर है कि हम सॉल्व करें 30c 30 माइनस 27, दैट इज 3, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, ठीक है, जिसको हमने पार्ट वन वीडियो में समझा था, ठीक है। तो 30c 3 को सॉल्व करना 30c 27 के कंपेरेटिवली भी आसान होगा। अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा पास 5 टू द पावर 3, यहाँ से होगा इन टू 8 टू द पावर 27, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, एक्स की पावर 3 इन टू वाई टू दी पावर 27, ठीक। और 30c 3 को भी चाहे तो हम यहीं छोड़ दे सकते हैं, बट चलिए हमने स्टेप इसको सिंप्लीफाई कराया तो सॉल्व भी कर लेते हैं। अब 30c 3 का मतलब क्या है, 30 को 3 नंबर तक डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करना है, 30, फिर नेक्स्ट हुआ 29, नेक्स्ट होगा 28 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 2 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 27 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 27। अब बस इसको कैंसिल करना है, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये 28th टर्म इसकी फाइंड आउट करना क्लियर होगी, ठीक है। सेकेंड को भी सॉल्व करते हैं, इसमें हमको बोला है कि 7th टर्म ऑफ, इसकी हमको 7th टर्म बतानी है, मतलब हमको फाइंड आउट करनी है t7, ठीक। तो इस t7 को हम क्या लिख सकते हैं, t6 प्लस ऑफ 1, राइट। अब हमको जनरल टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, एन सी आर, तो एन हमारे पास कितना है यहाँ पर 9, सी आर की वैल्यू कितनी हो गई 6, फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर हमारे पास 4x अपॉन 5 टू दी होल पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 3 इन टू माइनस 5 अपॉन 2x टू दी होल पावर कितना 6, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, हम 9c6 को लिख सकते हैं 9c3, तो 9c3 को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, 9 8 7 अपॉन 3 2 1, राइट, क्लियर है आपको। अब यहां पर हो गया ये हमारा 4 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है। अब मैं पहले कॉन्स्टेंट ही ले लेता हूं, तो यहां से आएगा हमारे पास 5 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6, क्योंकि इस पे पावर एक इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 1 अपॉन x की पावर 6, स्टेप क्लियर है यहां तक। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया हमारा 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, राइट, 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 6 है, तो बचा 5 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर हमारे पास 6 है, और यहाँ पर हमारे पास 4 की पावर 3 है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, बाकी टर्मों को अभी एज इट इज लिख लेता हूँ, फिर कैंसिल करते हैं, हमारे पास बचा है यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4 की पावर 3 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 की पावर, यहाँ पर हमारे पास बची 3,
तो 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, अपॉन 2 टू द पावर 6, तो 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स आएगा, 4 5 और 6, कैंसिल करने में आसान होगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। x की पावर 3 से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 अपॉन x की पावर 3, ठीक है। अब ये 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4 से 4 कैंसिल किया, अब बचे हुए जो नंबर है उनका आपस में प्रोडक्ट कर दिया, हमारे पास क्या क्या बचा है, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 7, और यहाँ पर बचा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है। अब इनका हमको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, और जब हम इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 105000 अपॉन एक्स टू द पावर 3, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं जनरल टर्म फॉर्मूले की मदद से। अब जनरल टर्म फॉर्मूले को आपको याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपको जब भी कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए जस्ट आप उससे एक नंबर आपको कम लेना है, कम क्यों लेना है, क्योंकि जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो हमारी काउंटिंग में पूछा जाता है, ठीक है, बाइनोमियल की काउंटिंग में हमेशा एक टर्म ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा को बैलेंस करने के लिए हमको एक टर्म को कम करना होगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी जनरल टर्म का फॉर्मूला याद हो तो आप बिल्कुल ध्यान रखना है। जनरल टर्म के अंदर यहाँ पर हम कैपिटल आर लेते हैं, कैपिटल आर को स्प्लिट करके हम लिखते हैं आर प्लस ऑफ वन, ठीक है, और आर प्लस ऑफ वन में जो आर होता है वो हमारी काउंटिंग का होता है, ठीक है। अगर यहाँ हमसे सेवेंथ पूछा है तो हमारी काउंटिंग में वो नंबर की पोजीशन 6 होगी, अगर यहाँ पर हमको टेंथ बोला है तो हमारी काउंटिंग में उसकी पोजीशन 9th होगी, और इसका फॉर्मूला होगा एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर, ऐसे ही आप याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म की पावर होती है एन माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म की पावर आर। तो ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला हुआ, और इस पर बेस्ड आप कुछ सेल्फ प्रैक्टिस कुछ प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे इस फॉर्मूले पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इज इट क्लियर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि मिडिल टर्म क्या होती है और इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म, अब ये अपने नाम से ही क्लियर है, मिडिल टर्म मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हम माने कि एक्स प्लस वाई टू द होल पावर एन का जो एक्सपेंशन होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगी वो होंगी एन प्लस वन पावर प्लस वन, मतलब इसके अंदर एन प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक। उन नंबर एन प्लस वन टर्म के अंदर जो मिड टर्म होगी या जो सेंटर की टर्म होगी उसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। अब ये निकालने कैसे, अब इसको निकालने के लिए मिडिल टर्म डिपेंड करती है कि एन क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो एन नंबर है वो डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म क्या होगी, क्यों डिपेंड करेगा, अगर हम समझें, अगर देखें हम कि एक्स प्लस वाई टू द होल पावर, अगर हम कोई एक नंबर ले लें, एक इवन नंबर लेते हैं, सपोज हमने लिया वो नंबर है 8, ठीक है। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आने वाली है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म आएंगी हमारी कितनी, 9, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर होंगी 9, क्योंकि पावर इवन थी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो ऑड नंबर्स होंगी काउंटिंग में, ठीक। तो इस केस में हमको वन ही मिडिल टर्म मिलेगी, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में हमको हमेशा वन मिडिल टर्म मिलेगी। अगर सपोज ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है एक्स प्लस वाई टू द होल पावर एन का, अगर यहाँ पर पावर अगर हम कोई ऑड नंबर ले लें, सपोज मैंने ऑड नंबर लिया 5, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होने वाली हैं वो होंगी कितनी, 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो इवन के केस में जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो इस केस में हमको 2 मिडिल टर्म मिलेंगी। अब 2 मिडिल टर्म क्यों मिलेंगी और यहाँ 1 मिडिल टर्म क्यों मिलेगी, इसको भी अगर हम समझें, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर हम एक्सपेंशन करें ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई जो भी आप लेना चाहें टू दी पावर, एक सपोज मैं एक इवन नंबर ले लेता हूँ, तो मैंने इवन नंबर ले लिया 6, तो इसके अंदर क्लियर है कि जो मिडिल टर्म्स होंगी वो सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो ऑड होंगी काउंटिंग में, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ नंबर जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह रही, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, इसी तरह ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ और ये लास्ट सेवेंथ टर्म, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम देखें तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 7, इनकी काउंटिंग है एक ऑड नंबर। अगर मिडिल टर्म हम निकालना चाहें तो फर्स्ट एंड लास्ट को हम आपस में ऐसे कैंसिल करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास बचा सिर्फ एक ही टर्म, ठीक। तो अगर जब भी पावर हमारे पास इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर होंगी ऑड, और उस केस में हमको हमेशा वन मिडिल टर्म मिलेगी, ठीक है। और वो वन मिडिल टर्म भी क्या होगी वो भी हम समझते हैं, उसका फार्मूला भी हम ड्राइव करेंगे, ठीक। हम ये एग्जांपल और समझ दें कि अगर हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है उसके अंदर जो पावर, अगर सपोज मैं यहाँ पर एक ऑड नंबर ले लूँ, सपोज 7 है,
तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मिलने वाली है हमको, 8। सपोज वो टर्म रही हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को अगर कैंसिल करते हुए चलें तो ये इससे कैंसिल हो गई, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। अब देखो इन दोनों टर्म को अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो कोई टर्म ही नहीं बचेगी। इसका मतलब अगर पावर ऑड नंबर है तो जो मिडिल टर्म होंगी उस केस में हमको दो मिडिल टर्म मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है। इस केस में यहाँ पर मिडिल टर्म हमको दो मिलेगी। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम गलती हमसे यही होती है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जब भी हम मिडिल टर्म निकालें तो वो डिपेंड करता है कि एन क्या है। एन या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर एक इवन नंबर, अगर एन एक इवन नंबर है तो उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो एक ऑड होंगी, उस केस में हमेशा हमको वन मिडिल टर्म मिलेगी। अगर पावर एक ऑड नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होंगी और उस केस में हमेशा हमको टू मिडिल टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। और इसका अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो देखिए हमको सिर्फ आर पता लगाना है कि हमारा आर क्या होगा। अगर आर हमें पता चल गया कि वो आर क्या होगा तो हम डायरेक्ट उस टर्म को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जनरल टर्म के फॉर्मूले को भी समझा, ठीक है। तो देखिए आर निकालने के लिए अगर हम इन दोनों ही क्वेश्चन से लॉजिक बनाए तो हमको इस टर्म पे पहुंचना है। अगर देखा जाए ये टर्म कौन सी है हमारी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। मतलब अगर ए प्लस बी टू दी होल पावर सिक्स का हम बात करें, इसके अंदर जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, मिडिल टर्म वो होगी फोर्थ टर्म, ठीक। इसी तरह हम इन पावर को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी तो ये छोटा सा हमने एग्जाम्पल ले लिया था, तो हमने यहाँ ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करके समझ गए कि इसकी फोर्थ टर्म ही मिडिल टर्म होगी और जनरल टर्म की मदद से हम फोर्थ टर्म यहाँ निकाल सकते हैं, तो जो हमारी मिडिल टर्म होगी। बट आप अगर आप सोचें अगर प्रैक्टिकली अगर ये पावर बड़ी है, जैसे हमारे पास ये पावर हम ले लें 86, 96 है ना, 98 लाइक दैट, तो इसके अंदर मिडिल टर्म तक पहुँचना अब हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास पावर गिवेन है 6, ठीक है, और मुझे चाहिए 4। तो ये 4 कैसे बनेगा, अगर मैं इस 6 को 2 से डिवाइड करूं और प्लस कर दूं 1, ठीक है, तो ये हो गया कितना, 3 + 1 दैट इज 4th। मतलब हम बोलेंगे जो इसकी फोर्थ टर्म है, जो इसकी फोर्थ टर्म है वो मिडिल टर्म है, ठीक। अगर सपोज यहाँ पावर होती a प्लस बी टू दी होल पावर मान लीजिए 10 होती, ठीक, तो उस केस में मिडिल टर्म किसे निकालते हैं, क्योंकि पावर इवन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इस एक्सपेंशन में वो ऑड होंगी, तो एक ही मिडिल टर्म मिलने वाली, तो वो कौन सी होगी, 10/2 + 1 जो कि होगी 5 + 1, मतलब 6th टर्म जो होगी इसकी वो मिडिल टर्म होगी, ठीक। तो इसको अपन जनरलाइज करें, अगर सपोज हमारे पास है a प्लस बी टू दी होल पावर n, यहाँ पर जो n है वो है एक इवन नंबर, तो इसके अंदर जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होने वाली है, n/2 + 1th टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, अगर एक n जो है वो एक इवन नंबर है तो उसकी जो मिडिल टर्म होगी वो n/2 + 1th टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी, ठीक है। ऑड के केस के अंदर समझें तो देखिए, और जब भी पावर ऑड होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके एक्सपेंशन में होने वाली है इवन, तो इस केस में हमको दो मिडिल टर्म मिलेंगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होगी, अगर हम यहाँ काउंटिंग करें तो ये है हमारी 1, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये 5th, मतलब 4th टर्म और 5th टर्म जो होगी वो मेरी मिडिल टर्म होगी, ठीक है। अब 4th को हम कैसे निकालें, हमारे पास पावर दे रखी है 7, ठीक है, 7 में अगर हम 1 ऐड कर दें, डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आ गया 4, ठीक। और 5 कैसे बनेगा, अगर 7 के अंदर हम 3 ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आ गया 5, 7 + 3 10/2 5, मतलब जो इसका ऑड टर्म के लिए फॉर्मूला होगा वो कैसा हो जाएगा, अगर हम मान लें कि हमारे पास a प्लस बी टू दी होल पावर n के एक्सपेंशन के अंदर, जबकि जो n है वो एक ऑड नंबर है ना, तो उसके अंदर जो मिडिल टर्म होगी वो कौन, दो मिडिल टर्म होगी, कौन कौन सी होगी, वो होगी n+1/2 टर्म, एंड क्योंकि यहाँ दो मिडिल टर्म मिलने वाली है, दूसरी टर्म कौन सी होगी, n+3/2, ठीक है। अब ये डायरेक्ट हमारे पास r की वैल्यू आ रही है, ठीक है, r की वैल्यू आने पे मतलब हम उस r की मदद से जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके वो फॉर्मूला मतलब वो टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है, या उस टर्म की वैल्यू भी बतानी है, तो या ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आपको सिर्फ टर्म ही बतानी है या इसके बाद भी आगे सॉल्व करना है। तो इसके बाद अगर हमको आगे सॉल्व करना पड़ा तो हमको जनरल टर्म के फॉर्मूले की मदद लेना होगी, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर फर्स्ट टर्म की पावर n-r इनटू सेकंड टर्म की पावर r, ठीक है। अब ये r है क्या,
ठीक है, जो हम ये निकाल के लेके आए हैं 4, 5, तो ये क्या है, ये कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, हम इसको भी समझ लें, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर है, क्योंकि जब भी हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं तो जनरल टर्म के अंदर टी आर इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं यहाँ पर टी आर प्लस वन, और क्योंकि आर स्मॉल आर यहाँ यूज होता है फॉर्मूले के अंदर, जो होता है एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर इन टू सेकेंड टर्म की पावर आर। ठीक, तो इसको भी हम समझते हैं यहाँ पर, देखिए क्योंकि बाइनोमियल के एक्सपेंशन के अंदर स्टार्ट होता है ये जीरो से, तो ये होगा हमारा जीरो, तो ये होगा हमारा वन टू, ये थ्री, ये फोर। ठीक, अगर हम देखें ये फोर्थ टर्म है, मतलब ये जो आर मिल रहा है मुझे डायरेक्ट कैपिटल आर मिल रहा है, और जब मुझे ये फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना होगी तो आर को मुझे लिखना पड़ेगा थ्री प्लस ऑफ वन। देखिए यहाँ पर ये थ्री है ना, स्मॉल आर हमारा क्या होगा थ्री, तो यहाँ पर जो हम आर निकाल रहे हैं है ना इस इन दोनों फॉर्मूले की मदद से, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल आर की वैल्यू आ रही है। ठीक, तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइनोमियल के अंदर ऐसे कई सारे केसेस हैं जब हम आर को डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो कई बार स्मॉल आर ही फाइंड होता है। ठीक है, वो भी हम केसेस समझेंगे कब ऐसा होता है, बट अभी आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी हमको मिडिल टर्म निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा इवन नंबर के लिए एन बाई टू प्लस वन, जब इवन नंबर मतलब जब पावर इसकी एक इवन नंबर हो, ठीक है, एन बाई टू प्लस वन टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी, अगर एन हमारा एक ऑड नंबर है तो हमको दो मिडिल टर्म मिलने वाली है, एक होगी एन प्लस वन बाई टू टर्म एंड एन प्लस थ्री बाई टू, राइट। तो इस तरह यहां से दो टर्म्स मिलेंगी जब पावर एक ऑड नंबर है, इज दैट क्लियर, इसे नोट कर लीजिए, देन हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, वन बाई वन हम सॉल्व करते हैं। अब इस एक्सपेंशन को अगर हम कंपेयर करें ए प्लस बी टू दी होल पावर एन से, ठीक है, तो मिडिल टर्म डिपेंड किस पे करती है, हमेशा एन पर, तो एन अगर हम देखें, एन हमको गिवेन है यहाँ पर 14, 14 एक हमारा इवन नंबर होता है। ठीक, तो इवन के केस में हमको पता है जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी 15, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारे पास ऑड। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा जब भी पावर इवन होगी तो हमको सिर्फ एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, ठीक है, तो एक मिडिल टर्म क्या होगा, हमको पता है जो मिडिल टर्म होगी वो होगी 14 बाय 2 प्लस ऑफ वंथ टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी, तो 14 बाय 2 मतलब 7 प्लस 1, तो एट्थ टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी, और एट्थ टर्म को हम जनरल टर्म के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो टी एट को हम क्या लिख सकते हैं, टी 7 प्लस 1, और वो क्या होगा 14 सी 7 फर्स्ट टर्म, मतलब 1 की पावर 14 माइनस 7 तो 1 ही रहा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू मतलब सेकेंड टर्म की पावर आर जो कि है 7। ठीक, और देन इसको आगे हमको सिंपल सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड को सॉल्व करें, यहाँ पर भी हमको मिडिल टर्म बतानी है। अब देखिए यहाँ पर जो एन है वो है 9, मतलब एन एक ऑड नंबर है, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी वो इवन होंगी, तो यहाँ पर हमको दो मिडिल टर्म मिलेंगी, कौन कौन सी होगी, एक होगी हमारी 9 प्लस 1 बाय 2 टर्म एंड दूसरी होगी हमारी 9 प्लस 3 बाय 2 टर्म, राइट। तो ये दो टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी, कौन कौन सी, 9 प्लस 1 बाय 2 मतलब फिफ्थ टर्म एंड 9 प्लस 3 12 बाय 2 सिक्स्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म होंगी, तो उसको हम लिख सॉल्व कैसे करेंगे, टी 5 को हमको सॉल्व करना है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस ऑफ 1, तो स्मॉल आर की वैल्यू होगी हमारी 4, तो ये हो गया हमारा 9 सी 4 फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट है हमारा 3 ए टू दी होल पावर, दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 इन टू सेकेंड टर्म की पावर, सेकेंड टर्म है हमारा ए टू दी पावर 3 अपॉन 6 टू दी होल पावर कितना 4, राइट। और देन इसके बाद यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है, और सिक्स टर्म में हम कैसे निकालें, टी सिक्स हो जाएगा हमारा टी फाइव प्लस वन, दैट इज 9c5 फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म है हमारा 3a टू द होल पावर 9 माइनस 5 दैट इज 4 इन टू माइनस सेकेंड टर्म ए टू द पावर 3 अपॉन 6 टू द पावर 8 सॉरी 5, ठीक है, ये हमारा सेकेंड मिडिल टर्म हुआ, और देन इसको हमको आगे सिंप्लीफाई करना जो कि आपको आता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चंस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, टर्म कंटेनिंग स्पेसिफाइड पावर ऑफ एक्स इन ए इंटू एक्स टू द पावर अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर बीटा टू द होल पावर एन,
ठीक है। तो फ्रेंड ये जो पैटर्न है, ये जो वैरायटी है बाइनोमियल थ्योरम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों ही अप्रोच से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से ही इस पैटर्न को समझते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारे पास है फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 32 एंड एक्स टू द पावर -17 इन एक्स टू द पावर 4 -1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 टू द होल पावर 15। ठीक है, यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन ले लिए हैं। एक बार हमको इसकी एक्स की पावर 32 फाइंड आउट करनी है और एक्स की पावर -17 भी फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इस टाइप के पैटर्न को ध्यान रखने के लिए आप सोचिए कि जो बाइनोमियल थ्योरम की जो दो टर्म्स हैं, तो पहले तो ये दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल होगा हमारा, जिसे हमको यहाँ पर x की कुछ पावर पूछी जाए, या फिर कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पैटर्न मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न जो है a इंटू एक्स टू द पावर अल्फा प्लस माइनस b अपॉन एक्स टू द पावर बीटा, तो पैटर्न को हम ध्यान क्या रखें कि हमारे पास दोनों जगह ही x होना चाहिए। ठीक, एक टर्म में जो x है वो कुछ इसी फॉर्म में हो, और दूसरे टर्म में जो x हो वो 1 अपॉन कुछ इस फॉर्म में ही हो। ठीक, तो ये इसी पैटर्न पर बेस्ड वेराइटी है। ठीक है, अगर इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन नहीं दिए हों, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है ए इंटू एक्स टू द पावर अल्फा प्लस माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर बीटा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया है तो हम इस पैटर्न में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स टू द पावर अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर माइनस बीटा। ठीक, ये एग्जाम्पल लिया था तो इसलिए माइनस बीटा आ गया, टू द होल पावर एन, हम इसको इसको कन्वर्ट करना होगा, देन हमको इसकी एक्स की पावर सॉल्व करना है, जो भी हमको यहाँ पर एक्स की स्पेसिफाइड पावर हमसे पूछी गई हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है एक्स की पावर हमको 32 बतानी है इसके एक्सपेंशन के अंदर। तो सोचिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी इसके अंदर 16। ठीक, उन 16 टर्म में अब हमको ये नहीं पता कि वो कौन सी टर्म है जहाँ पर एक्स की पावर 32 आए, है ना, एक्स की पावर 32 आए, और इस एक्स की पावर 32 का हमको कोफिशियंट बताना है। तो पहले मैं आपको इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से बताता हूँ, ठीक, और देन इसकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा, जिससे आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं एक्स टू दी पावर कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 32 का। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी जनरल टर्म है, मतलब टी आर जो टर्म है, उसके अंदर x की पावर 32 का टर्म जो है वो कंटेन करता है। तो जनरल टर्म क्या हो गई हमारी टी आर, और टी आर को हम क्या लिखते हैं एन सी आर। अब यहाँ पर देखिए n क्या है हमारे पास 15, हमको गिवन है क्वेश्चन में n की वैल्यू है 15 सी आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर x टू दी पावर 4 की पावर क्या होगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो कि हो गया 15 माइनस आर, इन टू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स की पावर 3 टू दी होल पावर क्या होगा आर। ठीक, अब इसके बाद आपको करना है क्या है, सिंपल वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग हमने सेपरेट कर लिया। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर हमारे पास 15 सी आर, ये कांस्टेंट है। ठीक, पावर का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 15 फोर जम 60 माइनस ऑफ 4 आर, राइट, इन टू वन अपॉन एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है 3, तो आर का मल्टीप्लीकेशन होने पर ये हो जाएगा 3 आर, और उसको मैं ऊपर ले गया तो ऊपर ले गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3 आर। ठीक, अब ये हमारा कोफिशियंट है 15 सी आर, जो कि किसका कोफिशियंट है एक्स की पावर, बेस से में पावर ऐड कर दें तो ये हो गया हमारे पास 60 माइनस 3 7 4 आर माइनस 3 आर, तो ये हो गया हमारे पास 7 आर। ठीक, हमने x की पावर 32 को फाइंड आउट करने के लिए हमने माना कि जनरल टर्म के अंदर x की पावर 32 का टर्म्स कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर जो x की पावर है 32 और यहाँ पर जो x की पावर है 60 माइनस 3 आर, इन दोनों को हम डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। ठीक है, पावर को हम कंपेयर करेंगे, तो पावर को हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर x की पावर है कितनी 60 माइनस 7 आर, और यहाँ हमारे पास x की पावर है 32। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व किया सिंपल, 7 आर इज इक्वल टू हो गया 32 माइनस ऑफ 60, जो कि हो गया 7R माइनस 7R इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 में 2 गया 8, 5 में 3 गया सॉरी हाँ 5 में 3 गया 2 28, ये R की वैल्यू आ गई 7 4 28, इज दैट क्लियर। तो जो ये हमने R निकाला है वो हमारा स्मॉल R आया है। ठीक, और हमने ये निकाला कैसे, हमने मान लिया हमको x पावर 32 का कोफिशियंट निकालना था, तो हमने मान लिया कि जो जनरल टर्म है उसके अंदर इसकी पावर का कोफिशियंट है, और जनरल टर्म
के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग किया, हमको एक्स की पावर यहाँ मिल गई और इसकी जिसकी एक्स की पावर का कोफिशियंट हमको निकालना था वो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, उन दोनों पावर को हमने इक्वेट किया और आर की वैल्यू निकाली। अब ये आर इज इक्वल टू डायरेक्ट मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, जैसे ये हमारी इक्वेशन नंबर से मान लो थोड़ी देर के लिए वन थी, अब वन के अंदर आर की प्लेस से मैंने फोर पुट किया फोर, तो 15c4 इंटू एक्स टू द पावर ये हो गया 60 माइनस 7 4 28, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15c4 एक्स टू दी पावर कितना 32। मतलब हमको एक्स की पावर 32 का कोफिशियंट पूछा गया था वो रहा 15c4। ठीक है, तो ओवरऑल इसके सॉल्यूशन में हमने ये समझा, ये हमने ध्यान दिया कि ये सब डिपेंड कर रहा है इस आर पर, इस आर को ही निकालने के लिए हमने इतनी स्टेप्स फॉलो की है ना, जो कि सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से थी। अगर हमको इस सब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ हमको यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगी जिससे हमारे पास आर आएगा। ठीक, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर हम इस आर को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आर है वो स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है। देखिए मिडिल टर्म में अभी जब हमने जो एन प्लस जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे इवन और ऑड के लिए, वहां से जो आर निकल रहा था वो कैपिटल आर था, और यहाँ से इस फॉर्मूले की मदद से जो निकलेगा वो स्मॉल आर निकलेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आर जो हमारा फोर था हम उसको भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, अगर ये क्वेश्चन हमारे अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो हम कैसे आर निकालें, और आर निकलने के साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आर के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ, हमको ओवरऑल निकालना है आर, तो R इज इक्वल टू होता है n इंटू अल्फा। ठीक है, हमने करा क्या, जो पावर है n उसका मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट टर्म की x की पावर से जो कि है अल्फा, तो ये हो गया हमारा n इंटू अल्फा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी हमसे x की पावर पूछी गई हो। सपोज अगर यहाँ पर इन x की पावर m हमसे बोला जाता, मान लो कि x की पावर m का कोफिशियंट हमको बताना, तो हम n माइनस m n इंटू अल्फा में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमको m सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपॉन अल्फा प्लस ऑफ बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जो दोनों जगह हमको एक्स गिवन है ना उनकी पावर है, उन दोनों पावर को सम करना है। तो इस तरह जो हमने डायरेक्ट निकाल लिया है ये हमारे पास आर है, और इस आर को हम मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे ही हम समझते हैं, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, आर निकालना। तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या होगा, हमने फॉर्मूला जाना है एन इंटू अल्फा, तो एन ए 15 इंटू अल्फा 4, 15 फोरजा हो गया हमारा 60। ठीक है, 60 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, जो हमको x की पावर पूछी गई है, मतलब यहाँ पर हमको पूछी गई x की पावर 32, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 32। ठीक है, अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस 3, इसको हम आगे सॉल्व करें तो 60 माइनस 32 हो गया 28 अपॉन 7 जो कि आ गया 4। ठीक, तो देखिए आप इस कैलकुलेशन को मेंटली भी कर सकते थे, आपके पास आ गया 4 तो वो फिफ्थ टर्म होगी है ना, जहां पर x की पावर 32 का कोफिशियंट हमको मिलेगा। तो हम डायरेक्ट जनरल टर्म की फॉर्मूले से हम फिफ्थ टर्म कैलकुलेट कर उस टर्म को फाइंड आउट कोफिशियंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को समझे, हमसे बोला गया है कि फाइंड x की पावर 17 इन दिस, अब इसको मेंटली सॉल्व करें। अब देखिए हमको पूछा गया है x की पावर माइनस 17 का कोफिशियंट, अब डायरेक्ट आर निकालिए। ठीक, मल्टीप्लिकेशन किया आपने 15 फोरजा हो गया 30, माइनस एम करते तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 60 में ऐड हो जाएगा 17, तो 60 प्लस 17 हो गया 77 अपॉन 7, तो आर हमारे पास कितना आ गया 11, राइट। तो वो टर्म कौन सी होगी, वो टर्म होगी 12, और 12 टर्म हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो वो क्या होगी हमारी 15c11 इंटू एक्स टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 15 माइनस 11 क्या हो गया यहाँ पर 4 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू की पावर 11। ठीक, आगे हम सॉल्व करें कि एक्स की पावर माइनस 17 मिल भी रहा है या नहीं, तो 15c11 जो कि हमारा कोफिशियंट है एक्स की पावर का, उसको एज इट इज मैंने दिया यहाँ पर ये 4, और ये हमारी है कितना 15 माइनस 11 4 जो ये हो गया 16, एक्स की पावर हो गई 16, राइट। रिजल्ट जो होगा, पावर ऑड नंबर है यहाँ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा, इंटू एक्स की पावर 11 इंटू 3 तो हो गया 33, तो ऊपर ले गया इसको तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 33। ठीक, अब इसको आगे सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 15c11 एक्स टू दी पावर, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, मतलब फाइनली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़ा नंबर माइनस 33 है तो नेगेटिव का साइन आया। ठीक है, 13 में से 6 गया तो बचा कितना
7 और 1 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया, बचा 1। ठीक है, तो इस तरह हमने ये कोफिशियंट निकाल लिया है जो कि x की पावर -17 का है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और साथ साथ ये जो पैटर्न है उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म मतलब यहाँ पर वेरिएबल ना हो, मतलब x की पावर क्या होना चाहिए वहां पर, जीरो। या आपसे बोला जाए फाइंड कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर जीरो, या आपसे बोला जाए फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म या फाइंड कॉन्स्टेंट टर्म, तो इस टाइप के जो भी वेराइटी के क्वेश्चन होंगे वो हमको इसी अप्रोच से सॉल्व करना होंगे। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अगर ध्यान बस इतना ही रखना है कि जो x की पावर अल्फा और जो बीटा है वो ऐसी कुछ इसी पैटर्न में हो, ठीक है, कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करते हो, आपको इतना ध्यान रखना है। और ये देखना है कि आपको किसकी पावर पूछी गई है। इन केस अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो और r इंटीजर नहीं आता, ठीक है, r अगर इंटीजर नहीं आता, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर पावर का कोई भी कोफिशियंट या कोई भी टर्म पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर कंटेंट नहीं करेगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने r कैलकुलेट किया, अगर r यहां पर हमारे पास इंटीजर या कोई पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, कोई फ्रैक्शन वैल्यू हुई, तो आप कंफर्म हो गया कि वो पर्टिकुलर टर्म जो हमसे पूछा जा रहा है या जो हमसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है किसी पर्टिकुलर पावर का, है ना, तो वो टर्म वहां पर कंटेंट नहीं करेगी। राइट, तो हमेशा आर जो होगा वो यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए।